एप्पल के नए आईफोन से क्यों डर रहे लोग? एप्पल हमेशा से ही अपने आईफोन के अनोखे डिजाइन के लिए जाना जाता है। हाल ही में एप्पल ने अपनी नई आईफोन 11 सीरीज को लॉन्च किया। इसमें आईफोन 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स जैसे पावरफुल डिवाइस शामिल हैं। खास बात यह है कि दोनों मॉडल्स में एप्पल ने ट्रिपल रियर कैमरा को शामिल किया है। लेकिन लोग इन दोनों आईफोन्स के कैमरा डिजाइन से क्यों घबरा रहे हैं? नए आईफोन के डिजाइन और लुक काफी आकर्षक हैं, खासकर इनका कैमरा सेटअप। लेकिन कुछ लोगों के लिए यही खास फीचर परेशानी बन गया है। दरअसल ये लोग ट्राइपोफोबिया से ग्रस्त हैं। ट्राइपोफोबिया एक तरह का डर होता है जिसमें छोटे छेदों से बनी ज्योमेट्रिक आकृतियों या पैटर्न्स किसी शख्स को परेशान करती हैं। उदाहरण के लिए ये पैटर्न देखिए, मधुमक्खी के इस छत्ते पर खास तरह के पैटर्न्स बने हैं जैसे कि आम मधुमक्खी के छत्ते पर होते हैं। अगर आप ट्राइपोफोबिक नहीं हैं, तो आपको ये पैटर्न सामान्य लगेगा। लेकिन ट्राइपोफोबिया से ग्रस्त लोगों के लिए यही पैटर्न परेशानी बन सकता है। इतना ही नहीं, उन्हें ये पैटर्न देखकर उल्टी जैसा महसूस होने लगता है, उनकी हार्ट रेट यानी हृदय गति तेज हो जाती है और चक्कर भी आने लगते हैं। एप्पल के नए फोन्स का कैमरा सेटअप भी इस पैटर्न से मिलता है। इसी वजह से लोग सोशल मीडिया पर इस बारे में अपने विचार साझा कर रहे हैं और कैमरा से जुड़ी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। एसेक्स यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का मानना है कि किसी खास पैटर्न से नफरत करना या उससे डरना एक तरह से हमारे शरीर की रक्षात्मक प्रतिक्रिया होती है। कई लोगों को मकड़ी, सांप या बिच्छू से डर लगता है। इन जानवरों के शरीर पर भी इसी तरह के पैटर्न बने होते हैं कि इन लोगों को इस पैटर्न में दिखने वाली दूसरी चीजों या आकृतियों से भी डर लगने लगता है। इस समस्या को अगर मेडिकल साइंस के नजरिए से देखा जाए तो इसे पैटर्न फोबिया भी कहते हैं। रिसर्चर्स के अनुसार हम सभी किसी न किसी स्तर पर ट्राइपोफोबिया का शिकार होते हैं। हमारा डर इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कितना सहन कर पाते हैं। आपको बता दें कि इस बार लॉन्च हुए आईफोन 11 प्रो और आईफोन 11 प्रो मैक्स की सबसे बड़ी खास बात उसका ट्रिपल रियर कैमरा ही है। इन फोन्स में टेलीफोटो, वाइड और अल्ट्रा वाइड कैमरों को शामिल किया गया है। इसी के साथ ही अलग से नाइट मोड की ऑप्शन भी दी गई है जिसकी मदद से कम रोशनी में भी अच्छी तस्वीरें खींची जा सकती हैं। लेकिन लॉन्च हुए इन नए फोन्स का सबसे खास फीचर ही ट्राइपोफोबिया से ग्रस्त लोगों के लिए मुसीबत बन गया है।